हमीरपुर में ट्रेनिंग के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DDUG के वाई के सौजन्य से BPL परिवार से संबंधित युवाओं को भारत सरकार बैंकिंग ऑफ फाइनेंस की 9 माह की ट्रेनिंग देकर रोजगार दिलवाया जा रहा था, लेकिन हमीरपुर के लोहारी ITI में करीब 140 युवाओं ने ट्रेनिंग के नाम पर धोखा होने की बात कही। गुस्साए युवकों ने DC हमीरपुर से शिकायत की और इस अवसर पर DC कार्यालय परिसर में नारेबाजी भी की। युवाओं ने आरोप लगाया है कि ट्रेनिंग के साथ साथ हर माह 1,000 रुपये कौशल विकास भत्ता मिलना था, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। वहीं ट्रेनिंग के दौरान खाने व रहने के लिए भी सही सुविधा नहीं है। युवाओं का कहना है कि पीने के लिए पानी भी गंदा दिया जा रहा है और इससे युवा बीमार पड़ रहे हैं और अपने खर्चे पर गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गंदा खाने को दिया जाता है और आज तक केवल किताबें दी हैं और केवल एक टी-शर्ट दी गई है, लेकिन आवेदन करने के समय कहा गया था सभी कुछ मुफ्त मिलेगा और 1,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। मैं DDU का स्टूडेंट हूँ, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलाई गई उसके लिए हम अपने इसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसके हमें जो सुविधा बताई गई थी वो हमें नहीं मिल रही है, जिसके अंडर हमें जो भी है बोल रहे हैं कि अपना खर्चा करो, खाने के लिए हम बाहर से खा रहे हैं, जो ये देते हैं वो गंदा खाना देते हैं हमें, ना कि गंदा पानी होता है, 3 दिन से हमें पानी नहीं मिल रहा है, और जो भी हमें ड्रेस दी गई वो हमें शर्ट दी गई और कुछ नहीं दिया गया, और जो स्टडी मटेरियल है वो बुक्स दी गई हैं, जो हमें नोटबुक है वो कुछ नहीं मिला, बोलते बाहर से लो, और जो हमारे घर में आए थे तो उन्होंने बोला था कि आपको सब कुछ फ्री है यहाँ पर, और हम यहाँ DC ऑफिस में आए आज कंप्लेंट करने और हमने इन्हें कंप्लेंट दी कि हमें अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, 3 दिन से पानी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने हमें बोला कि फाइलें लो, बैग उठाओ और घर चले जाओ। घर जाओ, 2-2 लाख कि आप घर पे ऐसा खाना खाते हो, फ्री का खाते हो, ऐसा मिलेगा सर। इसमें हमें जो सरकार की तरफ से हमें एक बच्चे के लिए 2 लाख रुपए आ रहा है सर, उसकी हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, हमें खाना अच्छा नहीं मिल रहा है और हमें पानी जो है वो भी गंदा मिल रहा है ना, इससे हम बीमार हो रहे हैं और हमारा खुद का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है और खाने पीने की हमें प्रॉब्लम है, हम अपनी जेब से सारा खर्चा करते हैं और जो सरकार की फैसिलिटी है जैसे बुक्स वगैरह कॉपियाँ बोला है वो भी नहीं मिल रही हमें, और ड्रेसेस की बात लें सर तो ड्रेसेस में इन्होंने हमें टी शर्ट दी है और ये उस टाइम एडमिशन हुई थी तो इन्होंने बोला था कि आपने कुछ घर से लेके नहीं आना है, और अब ये इन्होंने बोला कि आप अपनी ब्लैक पैंट लेके आओ, घर से जूते लेके आओ ना सर।